अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसे वो मछली भी करती है ना, है ना? मैंने उसको टीवी में देखा है अपने फ्रेंड के घर में। डॉल्फिन कहते हैं उस मछली को। हाँ वही। और वो समंदर में ऐसे ही करती है ना, ऐसे ही जंप करती है वो। और लहरें, लहरें भी ऐसे ही होते हैं ना समंदर में। तुम्हारा सही है बेटा, 2 मिनट हुए गाड़ी में बैठे हुए और ये बिल्कुल मछली बना दी, समुंदर बना दिया, पानी नहीं आ गया गाड़ी के अंदर। आप भी करो ना, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मैं ये करूंगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? तुम्हारा बाऊजी कौन चलाएगा? अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ से कर लेती हूँ डबल डबल। हाँ 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 वेरी गुड। डैड बोलते हैं मेरी तरह है, पर इसे देखकर क्यों ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी है। छोटी प्राची बोलता था मैं इसे। हाँ हाँ तो आइसक्रीम खाने ही तो जा रहे हैं बच्चा, और कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट पहुंच जाएंगे। ओके अरे गाड़ी फास्ट क्यों की है? आप स्लो करो, अभी स्लो करो। ओके 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 बड़ी माँ, स्लो कर दिया मैंने, कर दिया। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। अरे स्लो चलाओ ना, धीरे नहीं चला सकते क्या? बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। ये तो सच में दूसरी प्राची। प्राची खुद तो चली गई घर से और ये जो घर में आ रही है उसकी बिल्कुल परछाई है। अगर तुम प्राची जैसी ही हो खुशी तो आई एम श्योर बेटा तुम मेरा चैन वैन सब छीनने वाली हो। बैंड बजने वाला था रणवीर। क्या हुआ, आपने कुछ कहा? मैंने नहीं, कुछ नहीं। नहीं आपने कुछ तो कहा है, मुझे लगा आपने कुछ कहा। मैंने कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि आप ना अच्छी बच्ची बनके रहना, मेरी हमेशा बातें सुनना, और जब तक आप 21 इयर्स के नहीं हो जाओगे तब तक आप कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे। क्या? सॉरी मैं ये कह रहा था कि आप जब दोस्त बनाओगे ना तो मुझसे पूछ के बनाओगे। आपका जो बेस्ट फ्रेंड बनेगा वो पहले मुझसे मिलेगा, मैं उसको टिक करूंगा और फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। ओके मुझे और किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है, आप हो ना मेरे बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, अभी तुम बोल रही हो बेस्ट फ्रेंड, मैं देखता हूँ कुछ सालों बाद तुम मुझे क्या बोलती हो। लेकिन वो बात सही रही, तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स होंगे वो पहले मुझसे मिलेंगे और फिर तुम्हारे दोस्त बनेंगे। पक्का? पक्का। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस ड्राइव करो। क्या यार, ये इतनी छोटी है और मैं अभी से ये सब सोच रहा हूँ। आई थिंक मैं दुनिया का ना सबसे बेकार, सबसे स्ट्रिक्ट, एकदम हिटलर टाइप, जल्लाद टाइप बाप बनूंगा। पर क्या करूं, बनना ही पड़ेगा इन प्यारी बेटी का बाप जो हूं। मैडम चलिए आपका पूरा नाम और एड्रेस बताइए। जी लिखिए। प्राची तुम ये लिखवाओ, मैं 1 मिनट में आया। मैं खुशी को अडॉप्ट करने इनके अनाथ आश्रम गई थी पर इन्होंने अडॉप्ट करने से मना कर दी। इनका कहना है कि मैं सेपरेटेड हूँ तो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकती। देखिए मैं समझ सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड कि इनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, पर ये खुद ध्यान नहीं रखते बच्चों का। तो फिर अगर ऐसा कोई इंसान है जो बच्चों का ध्यान रखना चाहे अडॉप्ट करके एक पेरेंट बनके, तो इन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सारे प्रूफ्स, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं, जबकि ये खुद गैर जिम्मेदार है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि इनके रहते एक बच्ची गायब हो गई। इतने गैर जिम्मेदार है, आप ही मुझे बताइए ऐसे चलाया जाता है अनाथ आश्रम, स्पेशली बच्चों का? मैंने कहा ना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है हमारे अनाथ आश्रम में, ये पहली बार है जब कोई बच्चा इस तरह मिसिंग है। या फिर पहली बार आपके खिलाफ किसी ने कम्प्लेन की है? एक मिनट पहले आप एक एक करके बताइए क्या बात है। सर प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। सर हमारे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि एक बच्ची अनाथ है और उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो सर हम लोग भाग के गए और उस बच्ची को अपने साथ लेके आ गए। सर हमें बाद में पता चला कि उस बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। सर अब आप ही बताइए, अगर उस आदमी ने वापस से उसे किडनैप किया है तो इसमें हमारी क्या गलती है?
सर ये मैम तो हम पे इल्जाम लगाई जा रही है सर। सर हमें बाद में ये भी पता चला था कि उस बच्चे को उसकी माँ के घर से भी उठाया गया था। एक मिनट, माँ मत बोलिए लाली जी, माँ नहीं उसकी, मैं हूँ उसकी माँ। अच्छा, अगर आप उसकी माँ हैं तो फिर उस दिन आपने अनाथ क्यों बोलने दिया? मीरा कम डाउन, ऐसे बात मत करो। तो ये भी तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर ट्रस्ट मी, मैं आश्रम के हर बच्चे को माँ की तरह ट्रीट करती हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं सर उनसे। आप लोग प्लीज थोड़ा वक्त लीजिए, क्योंकि आप लोग इमोशनल होते जा रहे हैं और हमें फैक्ट चाहिए, तो बेहतर होगा कि हम थोड़ी देर बाद बात करें। कांस्टेबल इन्हें पानी पिलाओ। जी मैं ठीक हूँ, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए प्लीज। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं इस टाइम पे नहीं आ पाऊंगा, समझे आप? I'll call you back। जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो FIR फाइल हो गई। हाँ वो मीरा जी का स्टेटमेंट ले रहे हैं। अब अक्षय हम कुछ देर के लिए बाहर जाएं प्लीज। हाँ चलो। हम रुके क्यों हैं? तुम्हें बिना माँ की तरह 10 सवाल पूछने की आदत हो गई। क्यों, क्या, कैसे सब जानना मैडम को। तुम थकती नहीं होते सवाल पूछते? मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तू इतने सवाल क्यों करती रहती है, और माँ भी कहती थी, और तो और ना बड़ी दादी भी कहती है। कौन कौन बड़ी दादी? वो मंदिर की पुजारी। ओ मंदिर की पुजारी को आप बड़ी दादी कहते हो? नाइस, वेरी गुड। अच्छा तो मैडम आपको पता है हम यहाँ पे रुके क्यों हैं? वो देखो सामने क्या है, आइसक्रीम। हम पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, चलो लेट्स गो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।